हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अफोर्डेबल मेकअप पे मिलने वाली है मैंने अपने लिए एक किट बनाई है जिसके अंदर मैंने अफोर्डेबल मेकअप रखे हैं अंडर हंड्रेड रुपीज़ में आपको बहुत ईजिली आपको ये प्रोडक्ट ईजिली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और नियर शॉप पर भी मिल जाएंगे सो फ्रेंड्स ये ना मेरी शादी की किट है और मैंने इसी के अंदर अपनी पूरी किट बनाई है तो मैंने सोचा था अगर आज के टाइम में मुझे मेकअप किट बनानी होती और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स तो मैं कैसे बनाती हूँ तो मैंने अपने लिए एक किट रेडी की है जिसके अंदर सारे आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे गा कोई भी चीप प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको कि आप अपने फेस पर लगाओगे तो आपको कुछ भी रिएक्शन करेगा आपको बिल्कुल एकदम ब्रांड निश्चित रहना है आपको मैं आपको सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जिससे आप अपनी एक मेकअप किट रेडी कर सकते हो अगर आपकी शादी होने वाली है तो ऑफकोर्स आप इसको ले सकते हो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा और ब्रांडेड मिलेंगे गाइस ब्रांडेड तो मैं इस किट को ओपन करने जा रही हूँ और इस किट को जो मैं ओपन करूँगी मैं आपको पूरा अच्छी तरह से दिखाऊंगी गाइज आपको एक एक प्रोडक्ट क्लियरली दिखाने वाली हूँ तो आई होप आपको अच्छा लगे तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी बिना किसी स्किप के क्योंकि एक एक छोटा छोटा प्रोडक्ट भी इसके अंदर बहुत मैटर करता है काफ़ी लंबी वीडियो मैं नहीं बनाने वाली बहुत ही मिनिमम मेकअप है और काफ़ी अच्छा और अफोर्डेबल मेकअप है तो चलो आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से मेकअप किट कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स इसके अंदर रखे हैं इस किट को हम कहेंगे अफोर्डेबल ब्रांडेड किट इसके अंदर गाइज़ आपको सारे आप इस जो मैंने इसके अंदर मेकअप डाले हैं ना इसके अंदर आप पूरा एक ब्राइडल मेकअप लुक शूट कर सकते हो ट्रस्ट में गाइज़ ये बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपको मैं दिखाने वाली हूँ अंडर हंड्रेड रुपीज़ के अंदर और ये ईच प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज़ आप इसे एक पूरा पार्लर रुक में जैसे पार्लर में आप जाके मेकअप करवाते हो वो सारा मेकअप इसके अंदर आपको मिलेगा तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहना अब मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स इसका दिखाने वाली हूँ तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का रोस्ट टोनर है गाइज़ ये ओनली फिफ्टी रुपीज़ का आपको मिल जाएगा नाइका पे पर्पल पर पे कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएगा मेरा तो ख़त्म होने वाला है मैंने इसकी काफ़ी बॉटल्स यूज़ की है अभी तक तो गाइज़ ये अब तक का सबसे बेस्ट टोनर है एंड मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइज़र आप ये ले सकते हो लैक्मे की पीच मिल्क मॉइस्चराइजर uh, क्रीम ये फोर्टी फाइव रुपीज़ की है आप देख सकते हो इसका जो प्राइस दिया हुआ 45 दिया है फोर्टी फाइव दिया हुआ है फोर्टी रुपीज़ में आपको ये ईजिली मिल जाएगी एंड उसके बाद आता है हमारे पास सनस्क्रीन सनस्क्रीन मैंने ली है मामा अर्थ की ये नाइनटी नाइन रुपीज़ की अवेलेबल है आपको कहीं भी नियर शॉप से भी मिल जाएगी ममार्थ के आजकल तो हर जगह ममार्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं ये ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज़ की आपको मिल जाएगी देन बात करते हैं प्राइमर की प्राइमर मैंने लिया ये होडा ब्यूटी का प्राइमर ये मुझे नाइन्टी एट रुपीज़ का रिसीव हुआ था सबसे अच्छा और सिलिकॉन प्राइमर है इसका जो बेस है ना काफ़ी अच्छा स्मूथ स्के सिलीकिन बेस आएगा और एकदम आपकी जो स्किन है इसको स्मूथ बनाएगी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको हल्का सा ड्रॉप हाथ पर लगाया था एंड देन उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी एंड यस yes, ये आ, मुझे मिला था नाइन्टी एट रुपीज़ का बेस्ट प्राइमर है फिर उसके बाद बात करते हैं हम रेड करैक्टर की हम अपने फेस पे जैसे डार्क सर्कल वगैरह होते हैं तो हमें उसे करेक्ट करना होता है तो ये मेरे पास दो चीज़ें हैं एक कंसीलर है और एक मेरे पास करैक्टर है ये भी मुझे सेवनटी नाइन रुपीज़ का मिला था देन बात करते हैं हम एलिएटीन का फाउंडेशन ये ओनली नाइन्टी नाइन रुपीज़ का फाउंडेशन है काज अब तक का सबसे अफोर्डेबल और ब्रांडेड प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि सबसे अच्छा मतलब फाउंडेशन अभी तक ये निकला है मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसके अंदर आप ना कोई भी करेक्टर यूज करके अपने फेस के अकॉर्डिंग बना सकते हो एक्चुअली इसका एम आर पी हंड्रेड रुपीज़ दी है आपको नाइन्टी नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन रुपीज़ का कहीं पर भी आपको ईजिली मिल जाएगा गाइज अब तो हर जगह ये अवेलेबल है एल एटीन का आपको इसका जो प्रोडक्ट होगा वैसे मैं लिंक दे दूँगी कंसीलर के लिए मेरे पास ये तीन ऑप्शन है एक मेकअप स्टिक है एक ये एन वाई बे का कंसीलर ये सेवेंटी नाइन रुपीज़ का है और एक ये मेरे पास ये मेकअप स्टिक है आप इसको एज अ कंसीलर बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा मतलब आपको ये लुक देता है गाइज बहुत अच्छा लिक्विड कंसीलर में ये इनसाइड का कंसीलर इसका जो एम तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ बट मुझे ये आ, मतलब हंड्रेड रुपीज़ के अंडर मिल गया था शायद ये नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सू उसका मुझे कुछ मिला था क्योंकि मैंने नायका से काफ़ी सारे सामान मंगाया था तो उसके साथ मुझे ये अच्छे प्राइस में मिल गया था एंड ये स्काइज ऑल्सो आइज पे आते हैं ये बहुत ही अच्छा न्योन पैलेट है मुझे ये सेवनटी फाइव रुपीज़ का मुझे मैंने नियर शॉप से परचेज़ किया था काफ़ी अच्छा है मुझे अगर इसका लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूँगी इसके साथ एक प्लेट भी दी थी ताकि आप इसके काफ़ी कलर मिक्स कर सकते हो काफ़ी पिमिटेड कलर्स

ड ब्लैक आई लाइनर है काइज बहुत अच्छा लाइनर है ये बहुत अच्छा मतलब अफोर्डेबल uh, प्राइस में तो इससे अच्छा वो लाइनर और हो ही नहीं सकता ये और एक ब्लू हेवन का काइज ये भी औसम आई लाइनर है मतलब दोनों एक का कलर सेम है जो मार्लिन का ये फोर्टी रुपीज़ में मिल जाएगा ब्लू हेवन का फिफ्टी रुपीज़ में मिल जाएगा बहुत आराम से अब बात करते हैं थ्रेड पेंसिल की ये थ्रेड पेंसिल मैंने दो मंगाई थी वैसे इसका जो प्राइस आई थिंक वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ कुछ है अराउंड बट आपको ये अंडर हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएगा मुझे ये एट्टी रुपीज़ ईच में मिला था जैसे कि मैंने आपको बताया नायका पे मैंने काफ़ी सारा सामान मंगाया था तो उसके अंदर मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया था एट्टी रुपीज़ ईच में मिला था मुझे ये दोनों और दूसरे में तो ब्रिसल्स दिए गए ये ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं आपकी ब्रोज को ना बहुत अच्छा कॉम करती है आप देख सकते हो इसमें मैंने एक ब्राउन कलर की पेंसिल मंगाई थी और एक मंगाई थी मैंने ब्लैक कलर की ये ब्राउन कलर की है क्योंकि ये नेचुरल ब्राउन आपकी अब्रोज लगती है मतलब बहुत अच्छा है एकदम लाइट लाइट सी आपकी लगेगी नेचुरल सी फिर आते हैं मस्कारा पे आप ब्लू हेवन का मस्कारा ले सकते हो होगा ये टेन गुना वॉल्यूम देता है आपकी, आपकी आ, मस्कारे को ये बोलता है बट बत, सही बताऊँ तो इतनी नहीं देता बट ये अच्छा है अफोर्डेबल है शायद ये अस्सी रुपये का मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपको येस एटी रुपीज़ अराउंड आपको मिल जाएगा शायद उससे कम का ही आपको ही मिलेगा और अगर आप सब इससे भी अच्छा मस्कारे पर जाते जाना चाहते तो आप ये ब्लू हेवन का ये ले मस्कारा ले सकते हो गाइज ये तो अमेजिंग मस्कारा है मेरा मतलब फेवरेट मस्कारा है इतनी अच्छी वॉल्यूम देता है इसके जो ब्रिस्टल इतनी थिन है और इतना लाइट वेटेड मस्कार है ना गाइज बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको फेक लैशेज लगा रखी है और सच्ची में अभी मैंने रिसेंटली इसको लगा के गई थी कहीं पर तो मुझे दो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि यस आपके फेक लैशेज लग रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा ओरिजिनल है और येस उसके बाद आता है कॉम्पैक्ट पे आप ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट ले सकते हो ये पल ग्लो कॉम्पैक्ट है नाइट अगर आप फंक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए तो ये बेस्ट ग्लो मतलब देगा आपको बहुत अच्छा ग्लो देगा एकदम शिमरी शिमरी सा फेस लगेगा मतलब हल्का हल्का ये नहीं कि पूरा चमकेगा हल्का सा आपको ये थोड़ा सा ना काइंड kind ऑफ of, uh, शिमरी शेड देगा गाइज बहुत अच्छा मतलब कॉम्पैक्ट आप देख सकते हो इसने मेरी स्किन को एकदम से मतलब हल्का से सिर्फ डैप किया था अभी मैंने इसको समझ नहीं किया तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है गाइज ओवरऑल अच्छा है प्राइस इसका हंड्रेड है और ये आपको हंड्रेड का ही मिलेगा तो यस गाइज वैसे शायद इसका एम आर पी होगी तो यस वन है तो आपको ये हंड्रेड का म से कहीं पर भी, भी मिल जाएगा सबसे अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है गाइज बस इसका ना जो मुझे वो होता है ना फॉर्म थोड़ा सा टाइट सा लगा तो so, अब बारी है फेस को पतला करने की मतलब कि कंटोरिंग करने की तो मैंने ये लिया है एन वाई बे की कंटोरिंग स्टिक ये सेवेंटी नाइन रुपीज़ की आपको नाइका पे नहीं सॉरी पर्पल पर आपको मिल जाएगी येस उसके बाद आपको ये मिल जाएगा स्विस ब्यूटी की लिपलाइनर वैसे तो मुझे ये ट्वेंटी रुपीज़ ईच मिली थी मैंने अपनी नीयर शॉप से ली थी बट गाइज़ ये कुछ लोग फिफ्टी रुपीज़ की भी देते हैं मतलब ये अंडर हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल जाएगी बहुत ईजीली और बहुत अच्छी लिपलाइनर है और एक ब्राउन मैंने लिया था इसके अंदर एक ब्लड रेड था और एक ब्राउन कलर लिपस्टिक के लिए आप ले सकते हैं इन साइड की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक बहुत अच्छी लिपस्टिक है ये भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट मतलब फेवरेट लिपस्टिक में से एक है इसका जो मेरा फेवरेट शेड है वो है नाइनटीन शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बहुत बहुत अच्छा इसका जो लिंक होगा मैं सबका डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगी आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना आप ये भी देख सकते हो अभी मैंने नियर शॉप से ली थी मुझे बहुत पसंद है ये ग्लो अप के नाम से आती है मतलब ये सेवेंटी एट्टी रुपीज़ की मुझे मिलती थी और यस ब्रश को हम कैसे बोल सकते हैं ये जो ब्रश होते हैं ना गाइज़ ये आपको एक एक जो ब्रश है ना गाइज़ आई थिंक टेन या फिफ्टीन रुपीज ईच पड़ जाएगा बहुत अच्छा है जो ये वाला ब्रश मैंने लिया ये फाउंडेशन ब्रश है ब्रश है काफी ज्यादा ये मतलब फ्लफी ब्रश है और सॉफ्ट ब्रश है और ये आपको हंड्रेड रुपीज का मिल जाएगा उसके बाद आप ये फाउंडेशन ब्रश पे जा सकते हो फाउंडेशन ब्रश ये मुझे फोटी रुपीज़ का मिल गया था ये मैंने शॉपी से आई थिंक परचेज़ किया था तो यस उसके बाद ये स्पॉन्ज से गाइज़ ये काफ़ी अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे को बहुत अच्छे लगे इसका जो ब्लेंडर का मैंने लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये फोर्टी रुपीज़ ईच पड़ा था उसके बाद ये प्लग का गाइज ये भी मुझे सिक्सटी रुपीज़ का मिल गया था बहुत आराम से और उसके बाद हम लेते हैं नेक्ड की आई लैशेज़ गाइज ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल आई लैशज़ लगती है लगाने के बाद ना बहुत लाइट वेटेड है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ लैशेज लगा रखे सच में अगर आप स्पेक्स नहीं पहनते तो मतलब, बहुत वॉल्यूम दे, मतलब वॉल्यूम अच्छी मतलब अच्छी तो का फायदा ही नहीं है अपने इन के हाईलाइटर की गाइज ये सबसे अच्छा हाईलाइटर लगता है मुझे क्रीमी बेस है इसका हंड्रेड रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा इन ये का किसी भी शॉप पर मिल जाएगा किसी भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा बहुत अच्छा देख सकते हो आप हल्का सा टच होगे ना आप अच्छा सा ग्लो आ जाएगा बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाएगा ये आपको यस हंड्रेड रुपीज का मिल जाएगा गाइस सो या गाइस दैट्स इट सो so फ्रेंड्स आपने देख लिया मेरी इस मेकअप किट के अंदर क्या क्या है आई होप आपको ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स होंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगले प्रोडक्ट के जो लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप चेकआउट कर लेना मैं छोटे से छोटे प्रोडक्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर आप कोई भी अपने लिए किट बनाना चाहते हो मेकअप किट अगर आपकी शादी होने वाली है या आपकी भाई की शादी होने वाली है तो आपको अपनी भाभी के लिए किट बनानी है तो ऑफकोर्स आप इसको भी बना सकते हो आप बिल्कुल ये दे सकते हो क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो पता है क्या कर? वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेल देर बाय